जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज सदर अस्पताल में बन रहे तकरीबन 22 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से 105 बेड के मॉडर्न अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि इस मॉडर्न अस्पताल का 65% काम हो चुका है। अगले वर्ष 2024 के अगस्त तक इसे पूरा करना था, लेकिन अपर मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार इसे 2024 के फरवरी तक पूरा करना है, इसलिए काम में तेजी लाई गई है। अब इंजीनियर को हर सप्ताह कार्य का विवरण देना होगा और इसे फरवरी तक में पूरा करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस 105 बेड वाले मॉडर्न अस्पताल के बन जाने से शहरवासियों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त कई विभाग के भवन बन रहे हैं, कुछ तैयार हो चुके हैं। वहीं तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से पूरे सदर अस्पताल के सभी विभागों के भवन का रंग रोगन भी कराया गया है। जर्जर वार्ड को भी ठीक किया गया है। ये मॉडल अस्पताल भागलपुर जिले में बन रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि MCH विंग ऑलरेडी हम लोगों का बन गया है, जो मैटरनिटी और चाइल्ड के लिए स्पेशलाइज्ड विंग है। उसमें भी बेड की संख्या कम पड़ रही थी, तो ये मॉडल अस्पताल 105 बेड का सदर अस्पताल में अब इसमें 65% काम हो चुका है, जैसा इंजीनियर्स बता रहे हैं। वैसे इसको समय पूरा करने का अगले साल अगस्त सितंबर का समय है, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय का निर्देश हुआ है कि इसको फरवरी में बना करके इसका उद्घाटन हो जाए और संचालन प्रारंभ हो जाए। और उसी कड़ी में उन्होंने निर्देश भी दिया है यहाँ के अभियंताओं को, और हम लोगों ने आज आके देखा भी है। इनसे साप्ताहिक जो है वर्क प्लान हम लोगों ने मांगा है माइलस्टोन के साथ, कि हर एक सप्ताह कौन कौन सा काम कंप्लीट हो जिससे कि फरवरी में इसकी शुरुआत हो सके, और इसके बन जाने से पूरे जिले वासियों को काफ़ी बड़ी सुविधा हो पाएगी। एक ही छत के नीचे इमरजेंसी हो या OPD के वार्ड हो, आयुष का हो, ऑफिस का, सारा सब कुछ जो है 105 बेड एडिशनल जो है सदर अस्पताल में मिल जाएगा। तो इसमें इंजीनियर्स लगे हुए हैं, एजेंसी भी लगी हुई है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं फरवरी में काम। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा द्वारा वार्ड संख्या 34 अंतर्गत भीकनपुर टैंक लेन स्थित बड़ी मस्जिद के आगे शकील अंसारी के घर से लेकर मोहम्मद रिजवान के घर तक अपने निधि से नव निर्मित सड़क एवं नाला योजना का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 34 के दर्जनों लोग मौजूद थे। वहीं विधायक शर्मा ने कहा कि जिस वार्ड में भी सड़क और नाले की जरूरत पड़ेगी, मैं उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। 34 नंबर वार्ड में सड़क और नाले का निर्माण के विधायक कोष योजना से बनना था, वो बन गया है, उसी का मैंने उद्घाटन करने आया था। काम अच्छा हुआ है मैंने देखा, और इसी तरह से मैं आग्रह करूंगा जितनी भी योजनाएं मैं दूं, जहां जिस वार्ड में भी लोग अच्छे से काम करें, क्योंकि जहां भी ज़रूरत हो मुझे सूचना देने पर मैं वहां सड़क और नाले बनवाने का काम करता हूं। इसलिए 34 नंबर को उद्घाटन करके इनको सुपुर्द करता हूं टैंक लेन को, कि अपना इसको मेंटेन रखें और इसको यूज में लाएं। भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत TNB कॉलेज में देश का पहला बंबू टिश्यू कल्चर लैब है। यहाँ मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। इस मीठे बांस के पौधे को पूर्ण रूपेण व्यवसायिक रूप में लाने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वन विभाग भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। यहाँ के बंबू टिश्यू कल्चर लैब से तैयार मीठे बांस के पौधे छपड़ा, सिवान, पूर्णिया सहित कई जगहों पर भेजे गए हैं। पहले यह आपको केवल जंगल, झाड़ियां या अड्डे पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसकी खेती की तरफ किसान आकर्षित रहे हैं। वहीं भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब है, जो बड़े पैमाने पर बांस के कई किस्म के पौधे को तैयार कर रहा है, उसमें से खास है मीठा बांस। तिलकामांझी विश्वविद्यालय अंतर्गत लैब बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा स्पॉन्सर्ड लैब है। पहले बांस के टिश्यू को शोध कर रहे छात्रों द्वारा यहाँ तैयार कर लिया जाता है। जब यह तकरीबन 3 फीट का हो जाता है, तब उसे वन विभाग को सौंप दिया जाता है। वन विभाग से लोग बिहार के अलग अलग जिलों तक ले जाते हैं। बंबू मैन ऑफ बिहार व टिश्यू कल्चर लैब के नाम से मशहूर हेड प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि भारत का यह पहला लैब है जिसमें इतने बृहद पैमाने पर बांस का उत्पादन किया जा रहा है। एक बार में लगभग 2 लाख पौधों को तैयार किया जाता है। वहीं इसकी खेती करने पर किसानों को दोगुना मुनाफा भी होता है। एक बार की लागत से करीबन 100 साल से भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बंजर जमीन और वैसी जमीन जहां पर अन्य खेती की संभावना नहीं है, वहां पर भी कई किस्म के बांस की खेती संभव है। सनातन धर्म में बांस की महत्वता काफी अधिक है। 20 वर्षों से पेड़ पौधे पर शोध कर रहे PTCL के परियोजना निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय बांस मिशन और राज्य बांस मिशन के अंतर्गत वन विभाग मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर लगवाएगा। किसानों को वन विभाग से 10 रुपए में पौधा मिलेगा। 3 वर्ष बाद इन पौधों को फिर से जांच की जाएगी। यदि किसानों द्वारा लगाए गए 50% से अधिक पौधे बचे रहते हैं, तो वन विभाग की ओर से देखभाल के लिए प्रति पौधा 60 रुपए दिए जाएंगे और बांस के पौधे की कीमत 10 रुपए भी वापस कर दिए जाएंगे। पर्यावरण की दृष्टिकोण से बांस काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसका पौधा सबसे अधिक तेजी से बढ़ता है, जिस वजह से यह ज्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक देता है और इस वजह से हमारे पर्यावरण को लाभ पहुंचता है। वहीं इसकी खेती से बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। बांस का उपयोग पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर व इससे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले सामान भी बनाए जा सकते हैं। वहीं बांस से इथेनॉल भी अधिक मात्रा में तैयार होता है। बंबू मैन ने बताया कि खासकर पूरे बिहार में मीठे बांस की खेती होती है तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि मीठे बांस से अचार, चिप्स, कटलेट के अलावे कैंसर की दवाइयां भी तैयार की जा रही है। खासकर बांस की कई प्रजातियों का प्रयोग चीन, ताइवान, सिंगापुर जैसे देशों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बांस को प्लास्टिक का सबसे बड़ा विकल्प माना जा रहा है। अगले में जो प्लांट हम प्रोड्यूस करेंगे वो वन विभाग बिहार सरकार इसको लेगी, तो इसमें हम लोगों ने सेलेक्ट किया था बम्बू स्पेसिस, क्योंकि बम्बू जो है ये इसको हम लोग रिन्यूएबल गोल्ड करते हैं, रिन्यूएबल गोल्ड करते हैं, ग्रीन गोल्ड भी करते हैं, और किसी भी पौधे की तुलना में जो बांस का पौधा है वो मैक्सिमम CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है, यानी जो आपका अभी जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ी अभी समस्या बनी हुई है तो उसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, और बांस जो है जो मैक्सिमम रेट से CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस यानी कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके और उसको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, तो जो हमारे लिए हानिकारक है उसे फर्टिलिटी में कन्वर्शन कर दिया। और बांस एक ऐसा है जो वेल सब्स्टिट्यूट ऑफ टिम्बर, तो हमारा टिम्बर भी नहीं होगा, और प्लास्टिक ये जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इट कैन बी वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स ऑल्सो। तो अगर रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा तो बांस की काफ़ी ज़्यादा रोजगार और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री हम लोग फैला सकते हैं बिहार में। तो पहले इसका मैसिव प्रोडक्शन किया जाए, तो वह टिश्यू कल्चर टेक्निक से सो हम लोग यहाँ पे मैसिव प्रोडक्शन करें। और फैक्ट यह है कि इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे सो आपका कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है टिश्यू कल्चर से। तो ये फर्स्ट लैब है हमारा कि हम लोगों ने यहाँ पे खुद का प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज किया, और अभी कमर्शियली जो मोस्ट ऑफ द वायबल स्पेसीज है तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो करीब 8 स्पेसीज बांस का हमारे पास प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज। एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेंडोकैलमस स्टॉक्सी, उसका भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया। फिर आया कि मीठा बांस जो है डेंडोकैलमस एस्पर और डेंडोकैलमस हैमिल्टोना है, हम लोगों ने इसका भी स्टैंडर्डाइज किया। तो ये और लैब में काम हुआ, लैब तक ही कन्फाइंड रहा, प्रोडक्शन स्टेज में नहीं आया, हम लोग इसको प्रोडक्शन स्टेज में लिया। ये इसलिए भी जरूरी है ये स्वीट बम्बू कि इसका कोपला जो है हमारे यहाँ उतना फूड इसका टेस्ट डेवलप नहीं है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट वैल्यू काफ़ी है, देयर मेनी कंट्रीज यहाँ काफ़ी डिमांड है इसका, और उसका कटलेट पिकल्स इसका जो है हाई डिमांडिंग है। तो अगर मान लीजिए कि इसका हम प्रोपगेशन खूब करावे टिश्यू कल्चर के माध्यम से और वन विभाग के द्वारा इसको लगाया जाए तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी इसकी बन सकती है कि उसको प्रोसेस करा के और उसका एक्सपोर्ट हो, तो वो एक्सपोर्ट वैल्यू भी हमारा आ सकता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी हमारे यहाँ। सेकेंड क्या है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफ़ी है, ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है, कैंसर में भी बचाव में कारक होता है, तो एंटी ऑक्सीडेंट तो लोग ऐसे भी खा सकते हैं। फिर जब हमारे यहाँ टेस्ट डेवलप करेगा तो हमारे यहाँ के लिए भी रॉ मटेरियल होगा, धीरे धीरे हम लोग का भी टेस्ट डेवलप करना शुरू होगा। तो यहाँ पे अभी पे हम लोग जो टेक्निक करते हैं जो टिश्यू कल्चर से जो बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच है, और इसमें हम लोग दोनों टेक्निक करते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस से भी करते हैं और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से भी करते हैं। उस प्रक्रिया से प्लांट का जो बेस्ट जर्म प्लाज्म है हम लोगों ने कलेक्ट किया इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से विथ नॉन CPC, उसको हम लोग जर्म प्लाज्म लाए यहाँ, जर्म प्लाज्म को हम लोगों ने प्रिजर्व किया और उससे आइसोलेट करके हम लोग कल्चर तैयार करते हैं लेबोरेटरी में, और उस कल्चर से हम पहले सीडिंग कराते हैं, वो हालांकि वो ग्रोथ चैम्बर में डेवलप होने के बाद फिर हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है, जब बाहर निकालते हैं तो ग्रीन हाउस में और नेट हाउस में हार्डनिंग करके यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, वन विभाग को 3 से 4 फीट के हाइट पर। तो अभी तो टुल्डा बालकुआ का मैसिव प्रोडक्शन हो रहा था, जिनका कि अभी हुआ है कि इम्बैंकमेंट में जो फ्लड जोन एरिया उसके एम्बैंकमेंट में भी लगाया जाए, अभी जमुई में हाल में भेजा गया है, फिर भोजपुर में भी भेजा गया है। अभी बिहार सरकार ने एक योजना चलाई है कृषि वानिकी योजना में क्या है कि एग्रोफॉरेस्ट्री के साथ भी इसको जोड़ा गया कि जो किसान अपने खेत में चाहें कि अगर लगावें प्लांट को तो उनको 10 रुपया पर प्लांट बम्बू का टिश्यू कल्चर
रेस प्लांट हाई क्वालिटी जर्म प्लांट वाला उनको मिल जाएगा वन विभाग के थ्रू, और 3 साल के बाद जितना प्लांट सर्वाइव करेगा तो सरकार उसको 60 रुपया पर प्लांट उसको वापस करेगी, और जो 10 रुपया करके वो जमा करेंगे वो भी उनको वापस हो जाएगा। यानी मान लीजिए 1 हेक्टेयर में किसी ने लगाया और उसका 60,000 रुपया जो है वो मिलेगा, और 10,000 रुपया जो उनका लगा वो भी 70,000 रुपया उनको मिल जाएगा वापस। और ये जो प्लांट है ये 4 साल के बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दीपक नौरंगी के पिता का बीती रात निधन हो गया। कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। पत्रकार दीपक नौरंगी के पिता के देहांत के बाद उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। दर्जनों पत्रकार, समाजसेवी, नेता, प्रशासन के लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, शंभुदयाल खेतान, लॉ एंड ऑर्डर DSP गौरव कुमार के अलावे दर्जनों समाजसेवी मौजूद रहे। सबों ने श्रद्धांजलि बतौर उन्हें पुष्प अर्पित किए। कृषि विभाग द्वारा भागलपुर के कृषि भवन में रबी महाअभियान 2023 के तहत जिला स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में रबी फसल से संबंधित कई बिंदुओं पर कर्मशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर किसान फसल को अच्छे पैदावार करने के लिए उससे अच्छी आमदनी के लिए कैसे क्या करे इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कार्यक्रम के बाद सैकड़ों किसानों ने इस रबी महाअभियान 2023 में रबी फसल के बारे में प्रशिक्षण भी लिया। इसकी कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें रबी फसल से संबंधित कई वैज्ञानिक अपने अनुभवों को किसानों के साथ साझा किया कि कैसे रबी फसल में अच्छी पैदावार हो और किसानों को अच्छी आमदनी हो। का सीजन स्टार्ट हो रहा है और आज से रबी महाअभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें सारे कृषि विभाग के कर्मी, पदाधिकारी किसानों को बुला करके जो नई तकनीक आई है जिससे रबी के सीजन में पैदावार अच्छी हो, किसान अच्छी तकनीक का उपयोग करे, फसल अपशिष्ट को खेत में ना जलाएं, और जो कृषि विभाग की विभिन्न स्कीम्स है उसका फायदा उठा करके, चाहे वो अच्छी बीज हो, उर्वरकों का बेहतर प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से इस चीज को समझना कि जो उर्वरक जिस न्यूट्रिएंट की आपके मृदा में कमी हो, सॉइल में कमी हो, उसी तरह के उर्वरक का आप उपयोग करें। मैथिली वेब सीरीज नून रोटी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आगामी 27 अक्टूबर को मधुर मैथिली के YouTube चैनल पर यह बहुप्रतीक्षित मैथिली वेब सीरीज नून रोटी प्रदर्शित होने जा रही है। मधुर मैथिली के लिए वेब सीरीज का प्रदर्शन माइलस्टोन के जैसी उपलब्धि है। नून रोटी मैथिली वेब सीरीज के निर्देशक लेखक विकास झा भागलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि नून रोटी मैथिली वेब सीरीज बिहार और मिथिला प्रांत में व्याप्त बेरोजगारी और पलायन की समस्या को अलग दृष्टिकोण रेखांकित करती है। साथ ही मिथिला क्षेत्र में पर्यटन और व्यवसायिक आत्मनिर्भरता के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, इस विषय पर गंभीर योजना और समाधान बताने का प्रयास करती है। नून रोटी के कार्यकारी निर्मात्री और अभिनेत्री रोशनी झा ने जानकारी दी कि नून रोटी 27 अक्टूबर से मधुर मैथिली के YouTube चैनल पर देखी जा सकती है। नून रोटी में कुल 8 एपिसोड है। बिहार और मिथिला क्षेत्र में व्यवसायिक पर्यटन की संभावनाओं का विकास हो, इस उद्देश्य से नून रोटी की शूटिंग मिथिला के विभिन्न जिलों स्थान पर की गई है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, भागलपुर और पूर्वी चंपारण प्रमुख है। ऋषभ कश्यप मुख्य अभिनेताओं में है। 26 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में नून रोटी का औपचारिक प्रीमियर शो का आयोजन किया गया है। दरभंगा में शूट होला छे, हमरो कुछ ऑफिस सीन छे जे मुंबई में शूट होला छे, हमरा मुंबई गेलो जनवरी में शूट करना छे। सबसे पहले सर के धन्यवाद, हमरा चुनेली और ई काबिल समझेली।
और वो नॉन रेटी वेब सीरीज जितना अपने सब सुन लिया है वो बहुत सारा लेयर्स है जो एंटरटेनमेंट जितना हुआ पा रहा है, चाहे वो कॉमेडी हुआ है तनी मनी अपना बजट के हिसाब से एक्शन भी अपने को देखे मिलता है और वो बहुत सारा एक लेयर्स है जो मैसेज दे छे। बस ये एंटरटेनमेंट नहीं छा में बहुत सारा मैसेज है जो ग्राउंड लेवल पर हमें सब बातचीत करे छे। एक सबसे बड़ो खासियत यह है कि अपने सब एक खुद के तलाशी लें कि हमें कहाँ छे एक हमारा की करेक्टर छे आरो जो एक स्टूडेंट छे ओकरो लाइफ की हो छे स्ट्रगल की हो छे जब वो बाहर जैसे काम करे ली तो यहाँ तो खूब अच्छा लगे छे सबके देखी के आहा बाहर में काम करे छे ओकरो बेटा लेकिन वो एक अलग बैक स्टोरी चले छे जे शायद मैं अपना माय बाप के भी शेयर नहीं करे छे मैं कौन सब पीड़ा से गुजरी लो छे चाहे ओकरो सम्मान नहीं मिले छे या मैं जितना मेहनत करे छे वैसे आपको ओकरा सैलरी नहीं मिले छे तो ओकरो इच्छा होय छे कि हमें वापस अपना जगह पर पहुंची अपना क्षेत्र में। हम भागलपुर से छे भागलपुर आवे छे हिनी लीड एक्टर छे दिवाकर भैया तो हिनी दरभंगा आवे छे एने करी के चार दोस्त छे सब आपस में बात करे छे एक नया स्टार्टअप ले छे एकरे इर्द गिर्द जे ताना बाना छे जितना चैलेंजेस आवे छे हमरा निक लाइफ में वो चैलेंजेस हमें फेस करने छे हमें सब आरो पूरा ताना बाना अपने सब 8 एपिसोड में मिलते डेफिनेटली अपने सब एंजॉय करबे। हमरा भागलपुर के नाथनगर के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत गणेशी बाग में घर से बुलाकर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के नूरपुर निवासी नेपाली शाह के पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। हत्या का कारण बकाया पैसे को लेकर बताया जा रहा है। दिन दहाड़े हुए इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना करीब 1 बजे की बताई जा रही है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेज दिया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नारायण रजक और सुमन के बीच बीते शुक्रवार देर रात भी कहासुनी हुई थी। मृतक के पिता ने कहा कि सुमन को नारायण रजक मेरे पुत्र को घर से बुलाकर ले गया और कहा कि चलो तुम्हारा जो बकाया पैसा 7,000 है वो देते हैं। जैसे ही गणेशी बाग बगीचा की ओर ले जा रहा था उसके शरीर पर चाकू से कई जगह वार कर दिया। उन्होंने कहा कि मृतक अपने भाइयों में सबसे छोटा था। वो सुखराज राय उच्च विद्यालय में पढ़ाई करता था। थोड़ी देर बाद स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली कि सुमन को चाकू मार दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने उक्त युवक को ऑटो पर लादकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पहुंचाया। तब तक उसकी सांसें थम गई थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले पर मधुसूदनपुर ओपी थानेदार महेश कुमार ने कहा कि सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत प्रवत्ति काली स्थान के पास दो युवक गोलू शर्मा और आदित्य शर्मा ने कपिल देव मंडल के पुत्र प्रवीण कुमार को रोका और दोनों ने मिलकर लोहे के रड से बुरी तरह मारते हुए उसे घायल कर दिया। इतना ही नहीं गोलू शर्मा के पूरे परिवार ने मिलकर प्रवीण की जमकर पिटाई कर दी। प्रवीण स्कूल वाहन चालक है। वो बच्चों को उसके घर से छोड़कर वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दरमियान यह हादसा हुआ। वहीं प्रवीण ने बताया कि हम स्कूल वाहन लेकर जा रहे थे तभी हमें गोलू शर्मा और आदित्य शर्मा ने रोका और मेरे से ब्राउन शुगर का 20,000 रुपये डिमांड करने लगा लेकिन मैं कोई ब्राउन शुगर की बात नहीं जानता हूं। पैसे नहीं देने पर मुझे सबों ने मिलकर बुरी तरह घायल कर दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर विश्वविद्यालय थाना पहुंचा। उसके बाद सदर अस्पताल अपने इलाज के लिए पहुंचा हूं। हम काली स्थान आए और गाड़ी स्कूल वाहन लेके जा रहे थे और उसके बाद स्कूल वाहन ले आते ले आते ये गोलू शर्मा आदित्य शर्मा दोनों आए और रड था हाथ में। आते कहता है कि हमको ब्राउन शुगर का पैसा दो। इसमें से नहीं दिए हम और उसके बाद जो है और उतर गए हम। उतरते ब्राउन शुगर और पैसा मांगने लगे। कितना पैसा मांगा? कह रहा 20,000 पैसा दो। 20,000 हमको पैसा दो तभी होगा। उसके बाद डायरेक्ट रट चला दिया। उसके बाद हम अपना जान छुटकारा करते हुए सीधा विश्वविद्यालय थाना गए। फिर थाना से फिर हमको यहाँ भेजे गए सदर हॉस्पिटल। गोलू शर्मा और उसके भाई थे। उसका भाई का नाम नहीं आते आदित्य ऐसे ही कुछ नाम है आदित्य शर्मा। पिता भी था? पिता उसके थे ये आपका उमेश शर्मा गोलू शर्मा के। उसके पिता भी हाथ में लाठी थे। उसकी बहन भी थे एवं फिर उसकी मम्मी भी थी। सब आकर के हम छुटा छुटे करके फिर गए सीधा विश्वविद्यालय थाना। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मेरा प्रवत्ति काली स्थान थाना पहुँची थी। वहाँ पे थाना गाड़ी नहीं पहुँची। हम थाना गए। थाना से हमें कागज़ दिए गए तब हम हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट करवा।
नवरात्र के मौके पर 20 अक्टूबर को द गार्डन जंगली जंक्शन की ओर से ग्रैंड डांडिया धमाका का आयोजन किया जा रहा है। इस डांडिया धमाका आयोजन में कार्यक्रम की संचालिका ने बताया कि यहां डांडिया के साथ साथ खेल मनोरंजन की व्यवस्था तो रहेगी, खाने के भी कई तरह के लजीज व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले ग्रैंड डांडिया धमाका कार्यक्रम 7 बजे से प्रारंभ होगा। इसके टिकट कई जगह पर उपलब्ध है। कार्यक्रम की संचालिका ने शहरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में डांडिया नाइट में आने का अनुरोध किया। बी गार्डन जंगली जंक्शन 20 अक्टूबर को डांडिया नाइट्स का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें मैं आप सभी भागलपुर वासियों को सादर आमंत्रित करती हूँ। टिकट्स जंगली जंक्शन के काउंटर एवं सेंको गोल्ड्स शोरूम में भी उपलब्ध है। आप अपना कलेक्शन वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों के ढेर सारे खाने की सुविधाएं की गई है, फन एंड फूड की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम किए गए हैं।